और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं। करीब 87% वोटों से राष्ट्रपति चुनाव एक बार फिर से पुतिन ने जीत लिया है। रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच में रूस में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए और एक बार फिर से पुतिन ये चुनाव जीत चुके हैं। जो जानकारी अब तक है कि 87% वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनाव पुतिन ने जीत लिया है। जिस तरीके की उनकी राजनीति रखी है, जिस तरीके से रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान कूटनीतिक फैसले वो लेते रखे हैं, इन सब के बीच में जनता की पहली पसंद के साथ एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए। बड़ी खबर, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक साथ दो समन्स भेजे हैं। दिल्ली जल बोर्ड केस में ईडी ने आज केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया, तो वही शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल से ईडी 21 मार्च को पूछताछ करेगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, दो समन्स अरविंद केजरीवाल को भेजे गए हैं, साथ ही आज एक समन को लेकर पूछताछ की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक तरफ जल बोर्ड केस में समन जारी किया गया है जिसको लेकर आज पूछताछ अरविंद केजरीवाल से की जा सकती है, और शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। क्या आज दिल्ली जल बोर्ड के इस पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे, क्योंकि समन जारी किया गया है। पहले भी 7 से 8 बार समन इग्नोर किया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से शराब घोटाला मामले में। ईडी का समन आया है केजरीवाल को और 9वीं बार उनको आया समन, लेकिन उनकी पार्टी यही कह रही है कि राजनीतिक साजिश के चलते ये पूरी कार्रवाई हो रही है। देखिए, अब अरविंद केजरीवाल के पास अपनी बेगुनाही में कहने को कुछ भी नहीं बचा। अभी 2 दिन पहले वो 8 समन का अवहेलना करने के लिए जेल जाने की स्थिति में थे, तो उनको बेल लेना पड़ा। कोर्ट ने कहा गो एंड ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन। अब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता भ्रष्टाचारी मान चुकी है, क्योंकि दिल्ली की जनता को ये पता है कि टूटी गलियां तो नहीं बनवाए, अपना राजमहल बनवा लिया, लोगों को साफ पानी तो नहीं दिए, अपने लिए करोड़ों की गाड़ियों का काफिला तैयार कर लिया, दिल्ली की जमुना जी को तो साफ नहीं किए, लेकिन अपने लिए दुनिया की सारी सुविधाएं, रिमोट से चलने वाली सुविधाएं, टाइल से लेके और टॉयलेट तक इंटरनेशनली शायद कोई बहुत बड़े देश का राजतंत्र का राजा भी न रखा हो, वो व्यवस्था किए। दिल्ली की जनता खून के आंसू रो रही है और ये बार बार चाहती है कि जब किसी के पास जवाब ही नहीं है तो उसको इतना मौका क्यों दिया जा रहा है। कानून को कड़ाई से पेश आना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी के साथ। देश में लोकतंत्र है, भारत में न्यायपालिका है, हम सब न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, हम सबको ये विश्वास है कि हमारे सबके साथ न्याय होगा। मुझे लगता है केजरीवाल जी बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत ही संभ्रांत नेता हैं, और वो भारत के संविधान और भारत के कानून का सम्मान करने वाले हैं। मुझे लगता है उन्हें पूरा यकीन होगा कि न्यायपालिका उनके साथ न्याय करेगी, और मेरा विश्वास भी है कानून का वो हमेशा सम्मान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जहाँ तक सवाल है गिरफ्तारी का, तो गिरफ्तारी होना ना होना, जमानत मिलना ना मिलना, ये देश के लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मुझे लगता है न्यायपालिका स्वतंत्र है और अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी न्याय होगा।